हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं मिस्टर आदि गोदरेज, चेयरमैन ऑफ गोदरेज ग्रुप. बात करेंगे हम इंडिया इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, गोदरेज ग्रुप कंपनीज और आउटलुक एंड ग्रोथ पैटर्न कैसे देख रहे हैं. मिस्टर गोदरेज, आपका क्या मानना है आगे चलकर ये साल हमारा कंजम्पशन पैटर्न कंटिन्यू इसी स्पीड और इसी गति से रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं? इस साल इकोनॉमी अच्छी तरह चलनी चाहिए, जीएसटी भी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया गया है, उससे भी मैं समझता हूँ कि ग्रोथ में बढ़ाई हुई है और जनरली इकॉनमी पिकअप कर रही है और कंजम्पशन बढ़ रहा है. हम देख सकते हैं सभी कंपनी के रिजल्ट्स आ गए हैं फर्स्ट क्वार्टर के, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी तरह बढ़ोतरी रहेगी. अगर हम ये जो ग्रोथ के बीच में रेट हाइक्स जो आए हैं, हमने देखा आरबीआई ने अभी बढ़ाया, इन्फ्लेशन को टेम करने की कोशिश की जा रही है, एज अ कॉर्पोरेट आपको ये आप इसको कैसे देखते हैं ये चीज़, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी इन्फ्लेशन बढ़ने की बात कर रहे हैं सब, तो वो भी एक यू नो इम्पेडिमेंट है ग्रोथ के को रखते हुए. वो तो बीच में काफ़ी रेट्स घटाए थे, अब थोड़े बड़े हैं, इन्फ्लेशन कंटेन करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि ये ठीक रहा है. आप ओके वो उसका आपको ज़्यादा मतलब यू नो नहीं, क्योंकि हमारा बोरोइंग रेट अब भी, क्योंकि हमारी कंपनीज के डेट इक्विटी रेशियोज अच्छे हैं, हमारा बोरोइंग रेट का काफ़ी लो है. ओके सर, मैं आपसे जो कंजम्पशन स्टोरी की बात करी थी, अर्बन एंड रूरल में अगर हम ये पैटर्न देखें, रूरल में अच्छी ग्रोथ दिखी थी, अर्बन का फिर भी इतना टर्न अराउंड नहीं हुआ है. आपको कब लगता है जब अर्बन विल आल्सो स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द ग्रोथ स्टोरी? अर्बन भी ग्रोथ अच्छा हो रहा है, बीच में ऐसा लग रहा था कि रूरल कम होगा, लेकिन अब रूरल भी अच्छी तरह बढ़ रहा है. और मॉनसून का जो इम्पैक्ट हमें, मॉनसून अच्छी तरह चल रहा है, ज्यादा ही अच्छा हो गया, तो उसके अप एंड डाउन तो रहेगा. अभी देखना है, कंप्लीट मॉनसून होगा सितंबर एंड में, तभी पता चलेगा पूरा. एग्री बिजनेस, क्योंकि उसमें आपका बड़ा इम्पोर्टेंट योगदान है, उसमें आपका क्या आउटलुक है जिस हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और ग्रोथ प्लान शॉर्ट आउट किए, चाहे वो एग्रोवेट हो और भी आपके जो हम ऑप्टिमिस्टिक है. हमारा गोदरेज एग्रोवेट का पब्लिक इशू हुआ था अक्टूबर में, हम ऑप्टिमिस्टिक है कि ग्रोथ अच्छा रहेगा. आपको आप एज अ कॉर्पोरेट इंडिया कितने कॉन्फिडेंट फील करते हैं इंडिया की स्टोरी को लेके, इन द सेंस टू कमिट फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स? इसमें दो तीन चीज याद रखनी चाहिए. जी, एक लोग नई कैपेसिटी करने के ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं कि किस तरह एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में बढ़ोतरी हो सके. करेक्ट सर, बैलेंसिंग इक्विपमेंट वगैरह उससे अच्छी तरह बढ़ रहा है, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी इंडिया में अच्छी तरह बढ़ रही है. तो वो हो रहा है, जब ही डिमांड बढ़ेगा तब जरूर इन्वेस्टमेंट आ जाएगा. अभी इंडस्ट्री देखनी चाहिए, स्टील है, माइनिंग है, जहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड लगते हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 9 महीने में नई कैपेसिटी आ सकती है, तो पहले से प्लान करने की क्या जरूरत है, जैसी जरूरत होगी ऐसे इन्वेस्ट करेंगे. थैंक यू वेरी मच, आपके साथ बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके. ऑल द वेरी बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन एंड न्यू पोजीशन. थैंक यू वेरी मच सर.